सभी भाइयों को राम राम। मैं मनीष कुमार तिवारी लोनी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, उत्तरांचल कॉलोनी जिला गाजियाबाद हमारा क्षेत्र लगता है। मेरी वाइफ अभी कल कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जो पहले से कैंसर पीड़ित है, इलाज चल रहा था राजीव गांधी में, और उसको यहाँ से आज रात 1:30 बजे करीब लेके गए और वो वहाँ पहुँची है और उसे वहाँ अभी तक कोई खाना पानी नहीं मिला है। वहाँ ना रहने की सुविधा है, कुछ नहीं है वहाँ पे। उसने वीडियो कॉल से मुझे दिखाया, ना वहाँ पे लेटरिन की सुविधा है, ना वहाँ कोई बाथरूम की सुविधा है। बस अंदर जाते फर्स्ट फ्लोर पे जब गई, वहाँ कुछ नहीं था, सेकंड पे भी कुछ नहीं था। उसने वीडियो कॉल मुझे रात पे किया, वहाँ पे देख के घबरा गई वो, कोई भी नहीं था। फिर नीचे भाग के आई तो एक आदमी मिला, उसने बताया ऊपर चले जाओ थर्ड फ्लोर पे, वहाँ होगा। वहाँ थर्ड फ्लोर पे गई तो एक नर्स थी सिर्फ, और एक वार्ड में बहुत सारे जब पेशेंट वहाँ पे पेशेंट बैठे हुए हैं, लेटे हुए थे, और वो वहाँ पे लेट गई। जब वहाँ पे क्या ना, अभी तक सुबह हो गई है ना, उसे कोई खाना है, ना कोई पानी है, ना कोई दवाई है, लेटरिन बाथरूम की कोई सुविधा नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। मैं सिर्फ यही गुजारिश चाहता हूँ कि सर मेरी वाइफ को बचा लीजिए सर, पहले से बहुत परेशान है वो कैंसर पीड़ित है, कोरोना के उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है। हमने तो सर्जरी के चलते टेस्ट कराया था, डॉक्टर ने लिखा था टेस्ट, और टेस्ट कराया तो मैंने गवर्नमेंट को अपने आप फोन करके बुलाया कि सर हमारी हेल्प करो। हेल्प का ये नतीजा कि उसे ऐसी जगह डाल दिया कि वो बच नहीं सकती है, वो ना होते हुए मर जाएगी सर। मैं योगी आदित्यनाथ से और मोदी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज उसे बचा लीजिए सर, उसे बचा लीजिए, उसे कहीं वार्ड में शिफ्ट कर दीजिए सर, वो छोटे छोटे दो बच्चे हैं हमारे, घर हो जाएगा प्लीज सर, प्लीज स्वास्थ्य विभाग से मैं विनती करता हूँ सर, प्लीज प्लीज। आनंद श्री तिवारी नाम है उसका, मेरठ में उसको शिफ्ट किया है, और बल्कि मैं हम यहाँ लोनी के रहने वाले हैं, उसे शिफ्ट लोनी में किया है, वहाँ पे मेरठ में सरदार वल्लभ भाई मेडिकल कॉलेज थर्ड फ्लोर पे, वहाँ कोई सुविधा नहीं है, सुबह से उसे कुछ खाने को भी नहीं मिला है अभी तक। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि थोड़ा अलर्ट हो सर, प्लीज दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं सर, प्लीज सर, प्लीज सर।